TVS NTORQ 125, इसका फ्रंट से लुक देखिए, क्या शानदार इसका लुक बन रहा है फ्रंट से। DRL लाइट का पैटर्न यहाँ पर आप देखते हैं हेडलैम्प के साथ में, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जा रहा है। LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है और स्प्लिट में आ रहा है इसका हेडलैम्प, यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से। और अंदर जो है पियानो ब्लैक कलर है और कवरिंग तो वैसे भी ट्रांसपेरेंट ग्लास का है। और यहाँ पर साइड पैनल में भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे इंटरनल है, ये भी यहाँ पर आप ये लाइनिंग जो देख रहे हैं ये इंटरनल है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लुक इसके हेडलैम्प का आपको ये दिखने वाला है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग ये पड़ने वाला है 1,28,000 रुपया। तो राइड प्रोफाइल देख लीजिए कुछ इस तरह से, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलने वाला है 5.8 लीटर का। यहाँ पर फ्यूल टैंक देख लीजिए, यहाँ पर पीछे रिफ्यूलिंग सिस्टम है, तो यानी पेट्रोल पंप पर आपको उतरने की ज़रूरत नहीं होगी। और पीछे से जो इसका लुक है कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है, और लेफ्ट प्रोफाइल कुछ ऐसे हो जाएगा। और माइलेज की बात करें तो 40-45 का आपको ये माइलेज देने वाली है। और यहाँ पर आप इसका कलर देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है, काफ़ी भड़कीला है, नियॉन ग्रीन कलर और यहाँ पर मैट ब्लैक कलर का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो कलर के हिसाब से देखें, इसके फीचर के हिसाब से देखें, और इसका जो डिज़ाइन है यदि हम सबकी बात करें तो ये काफ़ी मज़ेदार हो जा रहा है। और इसी के साथ साथ ये बच्चा भी देखिए मज़ा ले रहा है इस स्कूटर का बच्चे तो एकदम। चलिए एनीवे हम लोग इसके फीचर डिटेल को देख लेते हैं, मैंने की फ़ीचर आप लोगों को बता दिया है। अब हम बात करते हैं फ्रंट से, तो इसका जो विंड वाइजर है ये दिया गया है कुछ ऐसे, यहाँ पर आपको मैक्सिमम एयर ब्लास्ट का हो ऐसा यहाँ पर शेप दिया गया है, देख लीजिए ऐसा यहाँ पर ये डिज़ाइन आ रहा है। स्मार्ट कनेक्ट का इस पर ब्रांडिंग है, इसका मतलब कि इसमें आपको जो फीचर्स हैं वो स्मार्ट कनेक्ट वाले मिलने वाले हैं। ब्लूटूथ वगैरह सब मिल जाएगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये सब मिल जाएगा, सब कुछ ये मिलेगा। और यहाँ पर इंडियन का जो है ये लोगो भी दिया हुआ है, ट्राई कलर भी दिया हुआ है लोगो नहीं ट्राई कलर। ट्राई कलर देख कर ही मुझे तो अच्छा फील आता है, अब आप लोगों में से कितने लोगों को अच्छा आता है नहीं मालूम, तो आना भी चाहिए। और अपना ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, तो इसलिए भी दिल खुश होता है कि ऐसे ऐसे जो स्कूटर बाइक हैं अपने ब्रांड वाले बनाने लग गए हैं, ये सोचकर ही पाकिस्तान वाले थोड़े परेशान रहते हैं। एनीवे चलिए यहाँ पर साइड इंडिकेटर जो है कुछ ऐसे यहाँ पर आपको ये दिखने वाला है, बल्ब का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर आप देखिए ऐसे बल्ब के साथ में। और इसका जो कलर है ये काफ़ी खूबसूरत है, थोड़ा सा ये यूनिक कलर यहाँ पर मिलने वाला है, जैसे जामुन का रंग होता है ना जामुनी रंग यहाँ पर है, थोड़ा सा पर्पल का ये टच के साथ में आ रहा है, और शाइनिंग भी है इसके कलर में, कुछ ऐसा यहाँ पर आपको ये फिनिश देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर डुअल टोन कलर क्या है, ग्राफिक्स को ले लें तो मल्टी कलर यहाँ पर आपको ये मिल रहा है, कुछ ऐसा यहाँ पर ग्राफिक्स है, तो कलर की तो अब मैं बात ही नहीं करूँगा। यहाँ पर एप्रन जो है ये मिलने वाला है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में, कुछ ऐसे ये दिखने वाला है। TVS का ब्रांडिंग है, और यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ जाएगा, और हेडलैम्प तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था। और यहाँ पर साइड लुक देखिए कुछ इस तरह से 125 के ब्रांडिंग के साथ में, ग्राफिक्स जबरदस्त किया गया है सिल्वर और नियॉन ग्रीन कलर से, और 125 का यहाँ पर मतलब कलर भर भर कर दिया है। यंगस्टर्स को ये काफ़ी पसंद आने वाला है, यूथ को काफ़ी अच्छा लगेगा, स्कूल वगैरह जाना है कॉलेज जाना है तो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। और यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश का मतलब कहीं पर भी छोड़ा नहीं है कि नहीं यहाँ पर चलो अच्छा एक प्लेन डिज़ाइन ही दे देते हैं, यहाँ पर भी देखिए प्लेन दिया जा सकता था लेकिन कार्बन फाइबर फिनिश दे दिया, मतलब इससे भी थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाए। और यहाँ पर इसके फ्रंट मडगार्ड को देखिए, ये भी डुअल टोन कलर में आ रहा है, सेंटर में ब्लैक कर दिया है, साइड में नियॉन ग्रीन हो गया है, और पीछे का जो पैनल है ये आने वाला है ब्लैक कलर से, जो कि कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब हम बात करें व्हील का, तो फ्रंट व्हील का जो रेडियस है ये 12 इंच रखा गया है, साइज 100/80 का है, तो थोड़ा सा आपको जो फ्रंट व्हील है वो नैरो मिलने वाला है, ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर फ्रंट व्हील को देख लीजिए, एलॉय व्हील के साथ में आ रहा है, और एलॉय व्हील का जो पैटर्न है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, एकदम जिगजैग टाइप का पूरा व्हील ही कवर कर ले रहा है। और फ्रंट में मिल रहा है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और इसके साथ साथ यहाँ पर मिल रहा है डिस्क ब्रेक। यहाँ पर इसके डिस्क को भी देखिए कुछ ऐसे है जो कि हीट को मैक्सिमम सर्कुलेट करने वाला है, ब्रेक जो है वो किसी भी कंडीशन में अच्छे से अप्लाई होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर रिम पर देखेंगे, स्कूटर में जनरली कम होता है यहाँ पर रिम पर स्टिकर्स, इसमें आपको ये मिल रहा है। और मैं आप लोगों को ब्रेक की बात कर रहा था, तो पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा है, ड्रम ब्रेक के साथ साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, तो आगे और पीछे दोनों जो ब्रेक है वो यूनिफॉर्म तरीके से काम करने वाला है। और रियर व्हील का भी रेडियस जो है वो 12 इंच ही रखा गया है, और साइज जो है पीछे का 110/80 है, मैं ऐसा ही उम्मीद कर रहा था कि पीछे का जो टायर है ये वाइड होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी जो है अच्छी होने वाली है आपकी रोड पर, और ग्रिप अच्छा रहेगा। और रियर जो सस्पेंशन है ये आपको मिल रहा है स्विंगम सस्पेंशन, और स्प्रिंग को रेड दे दिया है। देखिए मैंने आप लोगों से बोला था ना कि हर अट्रैक्शन अट्रैक्टिव पॉइंट्स देने की कोशिश की गई है, अट्रैक्टिव फीचर देने का कोशिश किया गया है, तो यहाँ पर भी देखिए अलग कलर यहाँ पर हो जा रहा है। तो ये आपको व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल बताया, अभी हम लोग इसके
दूसरी यूटिलिटीज़ को देखते हैं तो फुटबोर्ड जो है स्कूटर्स के लिए बहुत मैटर करता है। बच्चा यहाँ स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो खड़ा हो सके, इसलिए यहाँ पर एक जगह पर्याप्त मिल रही है। एंटी स्लिप के साथ में इसको डिजाइन किया गया है। हालांकि इसको कोई इस्तेमाल करता नहीं है, इसके ऊपर तो मैट फ्लोर मैट लगा ही लेता है हर आदमी, तो फिर भी यहाँ पर ग्रिप तो अच्छा मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो इसका डिमेरिट मुझे लगा अभी, ये सारी जगह इसने खाली छोड़ दी है, यूजलेस, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। यहाँ पर ग्लव स्पेस बन सकता था, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दे सकता था और दूसरे साइड में भी वाटर बॉटल वगैरह रखने के लिए दे सकता था, तो लोगों को अट्रैक्ट करता। हालांकि स्पोर्टी स्कूटर है जो कि यंगस्टर्स के लिए है, तो इसलिए शायद नहीं दिया है, लेकिन यंगस्टर्स जिम वगैरह भी तो जाते हैं, पानी का बॉटल कहाँ रखेंगे। एनीवे नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पर। और लगेज हुक यहाँ पर आपको एक मिल रहा है अंडर बॉडी कुछ इस तरह से, और दूसरा जो है यहाँ पर आपको मिल जा रहा है जो कि क्लोजिंग के साथ में, ये एक अच्छा फीचर होता है। सामान जो है ना आपका गिरेगा नहीं, ये एक अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर सीट में भी देखेंगे तो सिंगल कलर है लेकिन डुअल टोन फिनिश यहाँ पर दिया गया है, कार्बन फाइबर फिनिश का यहाँ पर आपको टेक्सचर मिलेगा। रेड कलर से यहाँ पर स्टिचिंग वर्क किया गया है। और साइड पैनलिंग में भी आप देखेंगे कुछ ऐसा ये सीट दिखने वाला है। तो सीट का एज कटिंग काफ़ी दमदार है। और यहाँ पर ऊपर से देखेंगे तो हीट सर्कुलेशन के लिए भी बंदोबस्त किया गया है, प्लेन राइडर राइडर दोनों के लिए। और इसका जो मीटर कंसोल है इसको भी देख लेते हैं, तो मीटर कंसोल आपको मिल रहा है फुली डिजिटल। यहाँ पर स्पीडोमीटर देख सकते हैं, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप का इन्फॉर्मेशन, इको है या आपका पावर मोड पर चल रहा है, ये सब टाइम देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं। और कंट्रोल स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश के बेस पर लेफ्ट साइड में ये तीन स्विचेस मिल रहे हैं, अपर एंड डिपर, इसी में है हेडलैम्प ऑन ऑफ, यहाँ पर अपर एंड डिपर और इसके साथ साथ पासिंग लाइट सब एक साथ में हो जा रहा है। साइड इंडिकेटर ऑन, और राइट साइड में आप देखेंगे तो ये तीन स्विचेस मिल जाते हैं, किल स्विच, और यहाँ पर आपके पार्किंग लाइट का भी बंदोबस्त है। ये देखिए पार्किंग लाइट भी आपका जो है हाईवे वगैरह पर एक साथ जलने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा एक फीचर हो जा रहा है। तो ये सब आपको मिलने लग गया है, और यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए एक फीचर ये मिल जा रहा है। और इसमें वॉइस असिस्ट भी है, आप बोल कर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बोल कर भी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें, स्टिकर भी दे दिया गया है, ब्रांडिंग भी किया गया है। और यहाँ पर मैं अभी सीट ओपन करके दिखाऊँ, तो सीट जो है ये आपकी ओपन होने वाली है। सीट के लिए मुझे लगता है कि लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर, हाँ, इसको की निकालना पड़ेगा, और की से ओपन करके मैं आप लोगों को अंडर सीट भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को डिटेल आइडिया मिल जाएगा। तो अंडर सीट जो है आपको फुल फेस हेलमेट रखने के लिए जगह मिल जा रहा है, देखिए इतनी जगह। और इसके साथ साथ इसमें लाइट भी दिया है, तो अंधे नहीं, लाइट नहीं है, सॉरी, इसमें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सॉरी, जो कॉर्ड है मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर दिया है। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी अच्छा फीचर हो गया, क्योंकि बाहर चोरी होने का चांस रहेगा, यहाँ पर नहीं होगा। यदि आप भूल भी जाते हैं तो इसके नीचे ही रहेगा, और हेलमेट रखने के लिए तो आप खोलेंगे ही, तो ये एक अच्छा है, यहाँ पर दिया है मोबाइल चार्जिंग के लिए। और यहाँ पर यूटिलिटीज़ के लिए ये दे दिया है, फर्स्ट टूल किट वगैरह रख सकते हैं। तो अंडर सीट भी काफ़ी अच्छी जगह है, और यूटिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जा रही है। और जो इसका ग्रैब रेल है, बाइक इंस्पायर्ड बनाया गया है, स्प्लिट में रखा गया है कुछ इस तरह से। और रिफ्यूलिंग सिस्टम बाहर की तरफ है, E20 का ब्रांडिंग है, नया वाला, मतलब इसमें सब कुछ फीचर मिल रहा है। और पीछे से इसका देखते हैं जो रियर लुक, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड इसका लुक दिया गया है, ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा डिटेल आप लोगों को पता चलेगा। तो देखिए ऑन होने के बाद कुछ ऐसा, और यदि मैं इसके ऑन कर दूँ कुछ ऐसा इसका लुक बनने वाला है। तो पीछे से शानदार लुक हो रहा है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड, और लेफ्ट साइड से इसका जो प्रोफाइल है कुछ ऐसे बन रहा है। लेडीज़ फुटरेस्ट भी यहाँ पर आपको इनबिल्ट मिल रहा है, आपको अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। यदि मम्मी चाची के साथ बैठ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और फुटरेस्ट देखिए, ये भी स्पोर्टी डिजाइन के साथ में है, मेटेलिक रखा गया है। तो काफ़ी है कुछ इसमें जो फीचर है वो मज़ेदार मिल रहे हैं। और इस पर जो फाइनेंस है वो आपको 80-85% जितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8-11% के बीच में वेरी करेगा। तो ये सारा डिटेल है। इस शोरूम का नाम है त्रिविक्रम TVS, अंधेरी में भी हैं और यहाँ माही में भी हैं। यदि आप मुंबई के हैं तो त्रिविक्रम TVS सर्च कर लीजिए गूगल पर, कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर कॉल करिए, आप लोगों को अट्रैक्टिव ऑफर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।